कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, क्या करें? बेबसी की चीख उस बेटी की है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को दम तोड़ते देखा है। इंसानियत को झकझोर देने वाली ये तड़प, ये कराह उस बेटी की है जिसके पिता का इलाज डॉक्टरों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि मंत्री जी अस्पताल का दौरा कर रहे थे। झारखंड में रांची के एक अस्पताल से आई ये तस्वीर कोरोना की तमाम त्रासदियों में दर्ज हो गई, जिसमें दर्द भी है तो बदहाल सिस्टम को लेकर लानत भी। रांची के अस्पताल में इस बेटी की चीख पुकार सरकार के कानों तक नहीं पहुंच सकी। यहां ना डॉक्टर मिले और ना इलाज, जिसके बाद लड़की के पिता पवन गुप्ता दम तोड़ गए। ये सब तब हुआ जब स्वास्थ्य मंत्री खुद अस्पताल में थे। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता राजधानी रांची के सदर अस्पताल का हाल जानने पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्हें उनकी व्यवस्था के चलते ही शर्मसार होना पड़ गया। जिस वक्त मंत्री जी अस्पताल के अंदर मरीजों का हाल ले रहे थे, तब पूरा का पूरा महकमा उनकी खुशामद में लगा रहा। उसी दौरान अस्पताल के बाहर एक मरीज ने इलाज के अभाव में अपनी बेटी के सामने दम तोड़ दिया। मंत्री जी जब अस्पताल से बाहर निकले, तब अस्पताल के बाहर पिता का शव लिए खड़ी बेटी ने मंत्री बन्ना गुप्ता को चिल्लाते हुए खरी खोटी सुनाई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घटना की जांच कर 48 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन रांची से मांगी है। उन्होंने पूछा है कि किन किन परिस्थितियों में किसकी लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हुई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को बेड नहीं मिलने पर भी कार्रवाई की बात की। मैं अभी पहले यदि निजी अस्पताल चले जाता तो आप ही लोग कहते कि साहब अपना जो है सरकारी अस्पताल तो मंत्री गए नहीं और जो है निजी अस्पताल में घूम रहे हैं। आप देखिए ना, निजी अस्पताल भी अचानक बन्ना गुप्ता पहुंचेगा और पहुंचेगा तो कुछ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो भी यदि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत यदि गड़बड़ी करेंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग आपदा अवसर नहीं है, अर्थ दोहन का। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे अधिक कोरोना के मामले राजधानी रांची में मिल रहे हैं। साथ ही मरीजों को बेड नहीं मिलने और सही समय पर इलाज नहीं मिलने की शिकायतें भी लगातार आ रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।